हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। तो बिहार दरोगा की साइंस की क्लास नंबर 6 है। जो भी बच्चे इसकी पहली क्लास नहीं देखें उनके लिए हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो जिन बच्चों की आज की पहली क्लास है उनके लिए हम बता देते हैं, ये 20 क्वेश्चंस की सीरीज है जिसमें प्रत्येक वीडियो में आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में बिहार के रिपीट हुए क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस को हम करा रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। और एक चीज़ और, यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। तो टेलीग्राम पे जाके आप ड्रीम जॉब अड्डा सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा और वहाँ पास आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी हम लिंक भी जो है टेलीग्राम की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी आप क्लिक करके डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर पहुँच जा सकते हैं, तब भी आप वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, कि ध्वनि प्रदूषण जो है वो किस चीज़ में मापा जाता है। तो ये आपका होता है डेसिबल में, ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल में। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है आपका डेसिबल में। जूल, देखो जूल किस चीज़ की इकाई, जूल दो चीज़ों की इकाई होती है, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा, और ऊर्जा। ठीक है, कार्य, एक मिनट, एक साथ ही लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखिए, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा इन दोनों की जो इकाई होगी, इन दोनों की इकाई जो हो जाएगी वो हो जाती है जूल। ठीक है, जूल हो जाए, कार्य और ऊर्जा इन दोनों की इकाई होगी, जूल हो जाए। एम्पियर जो होती है, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है, विद्युत धारा की इकाई, आप विद्युत धारा की जो इकाई हो जाएगी वो आपकी हो जाती है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर आपकी विद्युत धारा की इकाई होगी। ओम जो होगा ये होता है आपका प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का जो आपकी इकाई होगी, यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी ओम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, इन सारी ऊर्जाओं में कौन सी ऊर्जा होती है जो हमेशा धनात्मक होती है। तो ये आपकी हो जाएगी गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा, ये आपकी स्थितिक ऊर्जा हो जो होगी हमेशा धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के नियम किसने दिया है, गति के नियम किसने दिया है। तो गति के तीन नियम दिए गए हैं और ये नियम दिया है न्यूटन ने। न्यूटन ने गति के नियमों को दिया है, इसी का न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं। न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं, PHYC। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट डाउन। देखिए, न्यूटन ने तीन नियम दिए हुए हैं, न्यूटन के गति का फर्स्ट नियम, सेकंड नियम, थर्ड नियम। बेसिक बेसिक चीजें हम देख लेते हैं, सारा तो नहीं बताएंगे, टाइम लग जाएगा। फर्स्ट नियम, ठीक है, न्यूटन के गति का पहला नियम, पहला नियम, तीनों नियम में पहला नियम। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, यदि वो गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये आपका होता है न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, तो पहला नियम जो आपको बताएगा जड़त्व के बारे में बता रहा है, किसके बारे में, जड़त्व के बारे में। ठीक है, न्यूटन के गति का पहला नियम बताता है जड़त्व के बारे में। पहला नियम जो होगा ये बल की परिभाषा को बताता है, कि बल की परिभाषा को बताता है, परिभाषा को। अब न्यूटन का हम दूसरा नियम देख लेते हैं, दूसरा नियम न्यूटन का जो दूसरा नियम हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, क्या बताता है, ये बल द्रव्यमान व त्वरण जो होगा, एक्सीलरेशन होता है, उसके बीच संबंध को बताता है। किसके बीच में, बल के बीच द्रव्यमान, बल द्रव्यमान और त्वरण के बीच संबंध बताता है, के बीच संबंध। ठीक है, के बीच संबंध, फोर्स बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है एम ए। ठीक है, एक पॉइंट और नोट डाउन कर, गति का जो दूसरा नियम है ये, देखिए पहला तो बल की परिभाषा को बता देगा, दूसरा क्या हो, बल का परिमाण बताएगा, बल का परिमाण बताता है, का
परिमाण बता, दूसरा जो गति का नियम है वो बताता है बल का परिमाण को बताता है, ठीक है। अब एक नियम और बचा, गति का तीसरा नियम, ठीक है, गति का तीसरा नियम, तीसरा नियम, ठीक है। इसमें क्रिया और प्रतिक्रिया बल के बारे में बताता है, क्या बताता है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल के बारे में, प्रतिक्रिया बल के बारे में, बल के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश डैश के द्वारा समझा जा सकता है, तो किसी रॉकेट का जो उड़ान भरना है वो समझा जा सकता है संवेग संरक्षण के नियम से, ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। संवेग संरक्षण के नियम कहता क्या है कि यदि किसी वस्तु, यहां पर आप लिख लीजिए, यदि किसी वस्तु या फिर पिंड, जो भी आपको पिंड हो गया, यदि किसी वस्तु या फिर पिंडों के निकाय पर, के निकाय पर कोई बाह्य बल, पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए या फिर नहीं लग रहा हो, लग रहा हो, तो उस निकाय का, तो उस निकाय का, निकाय का कुल संवेग, कुल संवेग नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, कुल संवेग नियत रहता है, ठीक है। देखिए ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है, ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। गति का पहला नियम अभी जस्ट बताए हैं, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यदि कोई गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जा सके। न्यूटन के गति का नियम भी आपको दूसरा नियम ही बता चुके हैं, F=ma, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से, निम्न में से, यहाँ पास निम्न में से एक कमजोर बल है, इनमें से कौन सा जो बल है वो सबसे कमजोर, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा इन सब में से कमजोर बल माना जाता है। पानी द्वारा, देखिए पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल क्या कहलाता है, इसका मतलब सिंपल सा ऐसा है कि आप कोई भी चीज़ पानी में है, पानी के अंदर आंशिक या पूरी रूप से जब डाल दी जाती है, कभी आप पानी अगर निकाले बाल्टी, तो आप लोग निकाले नहीं होंगे, तो जब भी उस बाल्टी को हम कुएं में डालते हैं और जब उसको पानी के अंदर होता है तो उसको खींचना आसान होता है, जब पानी के बाहर आती है बाल्टी तो भारी हो जाती है, तो उसी बल के बारे में पूछ रहा है, तो उस समय उस बल क्या लगता है, तो उस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है, उस बल को क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और देखना चाहते हो तो देख सकते हो उत्प्लावन बल के बारे में। उत्प्लावन बल में क्या होता है कि देखिए क्या कहता है कि किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर जो बल लगेगा उस बल को ही हम उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है। घर्षण बल क्या होता है, दो सतहों, देखिए घर्षण बल का, मान लीजिए आपका कोई सरफेस है, इस सरफेस पे आपकी ये कोई गाड़ी चल रही, ठीक है, ये गाड़ी चल रही, ठीक है, चल रही मोशन में है या मोशन में नहीं है, तब भी घर्षण, यदि कोई गाड़ी खड़ी भी है तब भी उस पर घर्षण बल लग रहा है, ठीक है, उस पर घर्षण बल लग रहा है, तो इस पे घर्षण बल, जब घर्षण बल, देखिए गाड़ी अगर इस साइड मूव करे तो घर्षण बल इन दोनों सतहों के बीच में लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो घर्षण बल को कैसे डिफाइन कर सकते कि दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है, ठीक, घर्षण बल क्या करता है, दो सतहों के बीच गति का विरोध करता है, वो बल आपका घर्षण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, निम्न में से कौन सी अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी नहीं है, अच्छा पूरा क्वेश्चन भी आप भी अच्छे देखिए, अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है, तो जो ध्वनि तरंगे हैं वो एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग होती है, बाकी सारी ये तरंगे जो हो गई वो आपकी तीनों तरंगे हो जाएंगी, वो अनुप्रस्थ तरंगे हो जाएंगी। प्रकाश सबसे अधिक गति किसमें करता है, प्रकाश जो है उसकी गति सर्वाधिक किसमें होती है, तो ये होती है निर्वात में, प्रकाश की गति सर्वाधिक निर्वात में होती है, और कितनी होती है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। कांच में इसकी गति कितनी होती है, 2×10^8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहीं अगर आप पानी की बात करेंगे तो पानी में इसकी 2.25×10^8 मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रात के समय तारों का टिमटिमाना
किस घटना का कारण है। रात में जो तारे टिमटिमाते हैं तो किसके कारण होता है, ये आपका होता है अपवर्तनांक के कारण, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तनांक, वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण आपका तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है कि सूर्योदय जो होता है, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी आपको सूर्य हल्का सा दिखाई देता है, ये भी आपका अपवर्तनांक के कारण होता है, ठीक है, ये भी आपका अपवर्तनांक। एक चीज और इसमें दो, एक पॉइंट और है कि पानी में जैसे कोई सिक्का पानी में पड़ा होगा आपको थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है, उठा हुआ दिखाई, ये भी आपका अपवर्तनांक के कारण होता है, ठीक है। पानी में पड़ा सिक्का, पानी में पड़ा हुआ सिक्का उठा हुआ दिखाई देना, उठा हुआ दिखाई देना, ठीक है, दिखाई देना। अब प्रकाश का प्रकीर्णन देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आकाश जो नीला दिखाई देता है, आकाश का नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना, ये आपके प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पथ क्या होता है, ये आपका वक्राकार होता है। जिस ताप पर किसी गैस का आयतन शून्य होता है उसे क्या कहते हैं, जिस ताप पर किसी गैस का आयतन शून्य होगा उसे हम कहेंगे परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, परम शून्य तापमान होता है, ठीक है। अब देखिए जब गैस की बात आई तो दो नियम और आपको याद होना चाहिए, बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम, तो इनको भी हम थोड़ा सा बताए दे रहे हैं कि बॉयल का नियम का नियम, ठीक है, ये नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर यानी कांस्टेंट तापमान पर, ठीक है, आप जब भी गैस के नियम आएंगे तो तीन चीज हमेशा याद रखिए, ताप, दाब और आयतन, ठीक है। तो यहाँ बॉयल के नियम में क्या होगा, स्थिर ताप हो जाएगा, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर गैस का या फिर की गैस की नियत मात्रा, नियत मात्रा का आयतन, आयतन उसके दाब के, उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, होता है। ये आपका बॉयल का नियम, बॉयल के नियम में ताप स्थिर होगा, ठीक है, ताप स्थिर होगा और आयतन जो और दाब जो होगे व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे। ये एक नियम और आता है चार्ल्स का नियम, ये भी आप याद के रखिएगा, चार्ल्स का नियम, ठीक है। चार्ल्स के नियम में क्या होता है कि यहाँ देखिए बॉयल के नियम में आपका तापमान स्थिर था, यहाँ आपका दाब स्थिर हो जाएगा, तो स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा, किसी गैस की नियत मात्रा, किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन, आयतन उसके ताप के, उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है या फिर समानुपाती होता है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। एक चीज और, आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी, इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्न मिल क्या होता है, ऑक्सीडेशन जब होता है यानी कि ऑक्सीकरण होता है तब क्या होता है, तो इस समय जब ऑक्सीडेशन होता है तब इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है यानी कि इलेक्ट्रॉनों की त्याग देगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी आई तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पी हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन यानी कि अवकरण में क्या होता है, अवकरण में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि आपकी हो जाएगी अवकरण में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, सोना को घोल सकता है, सोना को कौन घोल सकता है, ठीक है, सोना जो गोल्ड होता है उसको कौन, इनमें से कौन सा घोल सकता है, तो एक्वारेजिया का सोल्यूशन जो होता है, एक्वारेजिया वो गोल्ड और प्लेटिनम दोनों को घोल सकता है। एक्वारेजिया में क्या क्या होता है, एक्वारेजिया को अम्लराज कहते हैं,
अम्लराज, ठीक है, इंग्लिश में क्वरेजिया बोलते हैं, बाकी हिंदी में इसको अम्लराज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 3:1 के रेशियो में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखिए हाइड्रो सांद्र, यहाँ पर लिख लीजिए सांद्र, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल प्लस, ठीक है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और प्लस सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल अम्ल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका HCl और यहाँ हो जाएगा आप HCl HCl और यहाँ हो जाएगा HNO3, ठीक है। अब इनका जो रेशियो होता है वो 3:1 के रेशियो में होता है, 3:1 के रेशियो में जब मिलाएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को, तो ये जो मिश्रण बनेगा उसको अम्लराज कहते हैं। अम्लराज क्या करता है, सोना और प्लेटिनम दोनों को गलाने की क्षमता रखता है, ठीक है। अम्लराज जो होगा सोना और प्लेटिनम, और प्लेटिनम प्लेटिनम इन दोनों को घोल सकता है, ठीक है, को गला सकता है, को गला देता है, ठीक है। एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि जो जैसे कि आपके कपड़ों में जंग लग जाता है, जंग लग गया ना, तो वो उन धब्बों को कैसे हटाएंगे, कपड़ों में जो जंग के धब्बे हैं उनको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्जैलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं, ऑक्जैलिक अम्ल का, आप लोग लिख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा लवण अम्ली है, इनमें से कौन सा है जो आपका अम्ली है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। देखिए जो आपका पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल में पीएच मान में बीच में आपका 7 होता है, 7 से ऊपर जितने होंगे 14 तक जाएगा, ये आपका क्षारी होगा, जितना इधर जाता जाएगा वो आपका क्षार होता जाएगा, और जितना इसके 7 जो होगा इसके न्यूट्रल, इसको उदासीन पॉइंट बोलते हैं, उदासीन बोलेंगे, इसके राइट साइड उदासीन के राइट साइड में हमेशा क्षार बढ़ते जाते हैं और इधर आपका 0 तक जाएगा वो हो जाएगा अम्ल जाएगा, ठीक है, अम्लीता बढ़ती जाएगी, इस साइड जाएगा तो अम्लीता बढ़ेगी, इस साइड जाएगा क्षारी क्षारिकता बढ़ेगी, ठीक है। तो आप बस कुछ अम्ल और क्षार के पीएच वैल्यू भी लिख दीजिए जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, जैसे समुद्री जल का कितना पीएच वैल्यू होता है, समुद्री जल का पीएच मान, यहाँ पर पीएच मान लिख लीजिए, इसका पीएच मान होता है 8.4, ठीक है। रक्त का बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है, रक्त का पीएच मान आपका होता है 7.4, ठीक है 7.4। आपकी जो लार होता है उसका पीएच मान कितना होता है, वो 6.4 हो जाएगा। सिरका का पीएच वैल्यू, सिरका का आपका पीएच वैल्यू होता है 2.4, ठीक है 2.4, सिरका का जो पीएच वैल्यू हो गया आपका ये होता है 2.4 हो जाता है, ठीक है। देखिए एक दो पॉइंट और आपको लिखाई दे रहा हूँ, कि जैसे कि वर्षा जल का पीएच मान जो होता है, वर्षा जल का यदि पीएच मान 5.6 से कम होता है तो उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे, ठीक है। जब वर्षा जल, वर्षा पानी जो हो रहा है, वर्षा जल का पीएच मान, पीएच मान 5.6 से कम होता है जब, ठीक है, कम होता है जब जल का, जो वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है, ठीक है, जब कितने से कम होता है, 5.6 से कम होता है, तो उस वर्षा को तब उस वर्षा, या फिर उस वर्षा को क्या कहते हैं, अम्ली वर्षा कहते हैं। कौन सी वर्षा कहते हैं, अम्ली वर्षा कहते हैं, ठीक है, वर्षा कहते हैं। एक पॉइंट देखिए, यहाँ पर जगह नहीं है पर एक पॉइंट आपको लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने दिमाग में हमेशा, या फिर यहाँ पास देखिए मैं कुछ, हाँ चलिए ठीक है, यहाँ पास नोट डाउन करवा दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए मुँह का, जब मुँह का यानी कि आपके मुँह का, जब मुँह का पीएच वैल्यू, पीएच मान, जब आपके मुँह का पीएच मान 5.5 से कम होता है, 5.5 से कम होता है, तो आपका जो दांत होते हैं, ठीक है, दांतों का जो क्षय प्रारंभ हो जाता है, तो दांतों का क्षय यानी कि उनका क्षय होना शुरू हो जाता है, क्षय प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, प्रारंभ हो जाता है। इन पॉइंटों को आपको अच्छे से याद करके रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। मॉडर्न जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक से, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बढ़ते हुए। इसकी खोज किसने की थी? आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है उस किसने थी? मोसले ने की थी। किसने? मोसले ने खोज की थी। इसकी खोज की थी मोसले ने, ठीक है, मोसले ने। ठीक है, यहाँ पास मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में भी आप कुछ लिख लीजिए, क्योंकि मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं मेंडलीव को। मेंडलीव को बोलते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल, फादर ऑफ पीरियोडिक आवर्त सारणी को बोलते हैं मेंडलीव को बोलते हैं। मेंडलीव ने क्या किस आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया था? उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के, इन्होंने बढ़ते हुए परमाणु भारों के हिसाब से बढ़ाए, बढ़ते हुए परमाणु भारों पर। ठीक है, परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा एक पॉइंट और यहाँ नोट डन कर लिए, मैं भूला जा रहा था कि फ्लोरीन जो होता है, एग्जाम में रिपीट होता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, फ्लोरीन जो होता है वो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, विद्युत ऋणात्मक तत्व, ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, क्या है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, पादप उद्वक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, तो पादप उद्वक जो होते हैं विभिजोतक उत्तक और स्थायी उत्तक, इन दोनों में विभाजित होते हैं। विभिजोतक उत्तक क्या होते हैं कि इनकी कोशिकाओं में विभाजन करने की क्षमता होती है। विभिजोतक उत्तक जो होते हैं इनकी कोशिकाओं में, इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती, विभाजन की क्षमता होती है। ठीक है, क्षमता होती है विभिजोतक ऊतक में, यहाँ पर क्षमता होती। और जो स्थायी ऊतक होते हैं इनके जो कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती, ठीक है, इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। स्थायी ऊतक में इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती, कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती। ठीक है, क्षमता नहीं होती, नहीं होती। देखिए जो आपकी स्थायी ऊतक है, फिन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से स्थायी ऊतक जो होंगे, इसको सरल स्थायी ऊतक बनाते हैं और जटिल, सरल और जटिल लिख लीजिए, सरल स्थायी ऊतक होंगे और जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक के आप एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि आपका जाइलम एंड फ्लोएम, एग्जाम में बहुत पूछता है जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे कि निम्न में से कौन सा अंडा देने वाला स्तनपाई, तो ये प्लेटिपस जो है एक अंडा देने वाला स्तनपाई है। केचुआ निम्न में से किस वर्ग प्राणी संघ में आता है, तो केचुआ जो होता है वो आपका आता है एनालिडा में, ठीक है, एनालिडा वर्ग में आता है। एनालिडा जो होते हैं वर्ग समूह जो होते हैं जिनका जो होता है इनका जो बॉडी होती है खंडयुक्त, देखिए खंडयुक्त होते हैं, ये खंडयुक्त कृमि होते हैं, खंडयुक्त होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है लंबी और लंबी और बेलनाकार होती है। ठीक है, इनकी बॉडी जो होती है लंबी और बेलनाकार होती है तथा इनके जो उत्सर्जन तंत्र को नेफ्रिडिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप लिख लीजिए, एग्जांपल के लिए जोंक हो गया, केचुआ हो गया, इसी संघ में आते हैं, जोंक और केचुआ इसी संघ में आते हैं जो आपका एनालिडा होता है। ठीक है, आर्थोपोडा जो होता है, आर्थोपोडा में आप देखिए ये जो होता है सबसे बड़ा फाइलम होता है। ठीक है, इनकी बॉडी जो होती है, एक चीज़ इनको समझ के रखिए, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है तथा इनके जो लेग होते हैं ज्वाइंटेड होते हैं। आर्थोपोडा में जो लेग होते हैं लेग्स ज्वाइंटेड पाए जाते हैं, ज्वाइंटेड, जैसे आपका केकड़ा हो गया, ठीक है, केकड़ा हो गया, स्पाइडर हो गया, मकड़ी हो गई, स्पाइडर हो गया, ये सब आपका। मोलस्का में देखिए, इनका मोलस्का से समझ में आ रहा है कि इनकी ये बहुत ज़्यादा, इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, इनकी बॉडी जो होती है सॉफ्ट होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इनकी बॉडी होती है। ठीक है, और जो ये रहते हैं इनके लिविंग स्थान जो होगा सलाइन वाटर में रहते हैं। ठीक है, अच्छा मोलस्का के बारे में एक पॉइंट और लिखे, इनका जो ब्लड होता है, खून जो होता है, रक्त होता है, ये ब्लू और ग्रीन होता है, ठीक है,
इसका एग्जाम्पल अगर लिखना है यहाँ पे तो इसका एग्जाम्पल होगा घोंगा हो गया, घोंगा हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ठीक है, घोंगा हो गया, ऑक्टोपस हो गया और कछुआ हो गया, ठीक है, घोंगा ऑक्टोपस और कछुआ, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टू पलों में समृद्ध स्रोत पाया जाता है, खट्टू पलों में क्या पाया जाता है, विटामिन सी का समृद्ध स्रोत पाया जाता है स्रोत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया में सूजन का कारण, निमोनिया जो है किसके सूजन के कारण होता है, तो ये आपके फेफड़ों में सूजन के कारण आपका निमोनिया हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, पर डे आपको वीडियो मिलेगी। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।